नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि ब्रिक्स की समिट हुई, मोदी जी वहाँ गए, पुतिन साहब से गले मिले और शी जिनपिंग के साथ भी हाथ मिलाकर आ गए हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़े हाथ पैर मारे कि भाई गिड़गड़ाए भी, उन्होंने बूट भी पॉलिश किए मोदी जी के। वैसे तो 75 सालों से अभी तक ये यही कुछ करते रहे हैं, ये करते भी रहेंगे, लेकिन मोदी जी ने बोला पीछे हट, बदबू आ रही है तुम्हारे से, हमने पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में नहीं होने दी। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जर्मन चांसलर जो थे वो हमारे भारत में आए, 3 दिन का विजिट था, अभी वो गए ही हैं कि स्पेन वाले भी आ गए हैं, सुना है मिलोनी भी आने वाली है। ये सारा का सारा यूरोप हमारे यहाँ पर आने की बातें बोलता है। चाइना ने अपनी एंकड़ी में 4 साल अपनी ऐसी तैसी फराई बॉर्डर के ऊपर और अल्टीमेटली दुम दबाकर पीछे हट गया, क्योंकि 5वीं बार उन्हें दोबारा से सर्दियों में अपना मुंह काला नहीं करना था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुंह काला, क्योंकि सर्दी में उस जो सुन होता है पूरा सुन हो जाती है बॉडी और नीली पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि काली हो गई है। ऐसे मत समझना कि मुंह काला हो गया है, ये वैसे सर्दियों में हो जाता है, तो उससे बचने के लिए वो बॉर्डर से भी पीछे हट गए। अब इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत में स्पेन का जो प्रीमियर है वो आया हुआ है और भारत पहली बार लॉन्च कर रहा है अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। प्राइवेट है ये, इसलिए उसकी फैसिलिटी जो है गुजरात में लगाई गई और वहां पर अब प्लेन्स बनाने की मुहिम शुरू होगी। भारत के अंदर हम अपने प्लेन बनाएंगे और स्पेन ने उस प्लांट को इनॉग्रेट भी किया है। इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्व का मोमेंट है और जब से ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तानियों के फोन पे फोन मेरे पास आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि भैया आपने यहाँ पर प्लेन, एक्चुअल में प्लेन बनाने शुरू कर दिए। हम तो अभी भी जंक फाइटर 17 वो बनाते जा रहे हैं, ना उड़ता है ना उसमें तेल डालते हैं तो तेल लीक कर जाता है, बॉम्ब फेंकने लगते हैं तो उसमें जो पटाखे होते हैं ये दिवाली वाले वो फूट के हाथ में आ जाते हैं इनके। तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, भाई आप इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भारत में बना कैसे लेते हैं, हम तो 10 सालों से झक मार रहे हैं अपनी, चाइनीज प्रोडक्ट हमसे बनता ही नहीं है। ओ भाई चाइना वालों से नहीं बनता, तुम्हारे से क्या बनेगा पाकिस्तानियों। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, ये जो मेक इन इंडिया के ऊपर मोदी जी ने ये इतनी बड़ी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कर दिया, रोड शो कर दिया, और ये जो प्लेन है C-295 जो अब भारत में ही बनने वाला है, ये एक छोटा मोमेंट तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको इनॉग्रेट करने के लिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद, जो प्रेसिडेंट है सॉरी सांचेज, वो खुद वहाँ पर आए, वो दोदरा में लैंड किए और उन्होंने इस प्लांट को इनॉग्रेट किया। सबसे पहले तो जय सियाराम। सर ये जो काम हुआ है, ये काम क्या हो गया कि भारत में प्लेन बनने वाले हैं, 56 एयरक्राफ्ट प्लान किए हैं पहले ही साल में, बल्कि काम करेंगे तो बड़ा करेंगे। जो यूरोपियंस हैं वो खुद 10-20 प्लांट प्लेन बना सकते हैं साल के, हमने 56 बोल दिया। सर ये डील जो हुई थी स्पेन के साथ भारत सरकार की, ये हुई थी 2021 में। हमने 56 प्लेन C-225 के ऑर्डर किए हैं, उसके अंदर 16 प्लेन स्पेन में एज इट इज बन के इधर आने हैं और बाकी जो 40 प्लेन हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सब इंडिया में होगा। और यहाँ पे आज वडोदरा में आप देख रहे हैं उसमें ये फाइनल असेंबली यूनिट है। इसके लिए स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी खुद आए हैं भारत। आपने देख लिया है कि 3 दिन पहले आपने खुद ही बताया थे कि ओला स्टोल्स आके गए थे, वो 24 से 27 तारीख तक भारत में थे और ये उसी टाइम पे उनके एक दिन आने के बाद पेड्रो सांचेज भी आए। और आपने ये भी बता दिया कि मेलोनी भी आने वाली है। सर ये इधर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको चाहिए भारत से एनहांस डिफेंस टाइप। जर्मनी इंडिया में इसके लिए आया था, उसको 43,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट चाहिए था। भारत को 6 पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाले हैं और इंटरेस्टिंगली उस पनडुब्बी के अंदर स्पेन की जो कंपनी है वो भी कंटेंडर है। तो बैक टू बैक उनको बुला लिया कि कौन बढ़िया डील दे रहा है हमें। और बहुत जरूरी भी है कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करना अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, हमने देख लिया कि उनके उन्होंने हमारे को जी जो इंजन है जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए वो नहीं दे रहे हैं, 2 या 3 दे रहे हैं, मतलब दुला दुला के दे रहे हैं। हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते।
और रशिया खुद वॉर में एंगेज है तो वो हमें सप्लाई नहीं कर पाएगा। फ्रांस के दाम बहुत महंगे हैं, तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली है कि आप हमसे माल ले लीजिए। वो लोग रेडी है फॉर फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, असेंबली यूनिट, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए रेडी है। इससे फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे और उस तरह से लोगों का एक रोजगार बढ़ता जाएगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल होगा। इनिशियली ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया के स्पेसिफिक यूज होने वाले हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी होंगे और इसके अंदर जिस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। आज टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जिसके पास एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें वो चाहे तो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, इनके ग्रुप कंपनीज इतनी सारी है वो सब इनको हेल्प कर सकते हैं। तो फ्यूचर में मुझे ये भी लग रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ बाई चांस भारत अगर अभी नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी कर सकता है, किसी कंपनी के साथ अगर वो डील करेगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को उसमें फायदा मिलेगा और ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन भी रहेगा। जबकि जैसे C-295 के जो प्लेन्स है उसके जो जैमिंग और जो कंपोनेंट्स है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत एलवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी बना रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम इंडिया में बन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग फैसिलिटीज का एक मार्केट बनता जा रहा है, ये उसी संदर्भ में एक फैसिलिटी है। सर आप कैसे देखते हैं ये जो लॉन्च किया है फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर, आपको नहीं लगता कि जैसे टाटा ने ये शुरुआत करी है ये प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की, इसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम प्राइवेट सेक्टर को खुल जाएगा जहां पर और कंपनीज भी भारत में आकर यह मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगी। मेरे पास एक आदमी है, भारतीय हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं वो टेक्सास के अंदर, उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है कि दे वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दोज प्लेन्स, जो छोटे प्लेन होते हैं 2-4 सीटर वाले, वो भारत में बनाना चाहते हैं, वो जॉइंट वेंचर वो करना चाहते हैं भारत के साथ। मेरी ऑलरेडी एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही है कि कैसे उनको भारत में लेकर आया जाए और एक इकोसिस्टम को बनाया जाए। आपको लगता है कि जैसे प्राइवेट प्लेयर्स अब मार्केट में आते जा रहे हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट प्लेयर इतने बड़े हैं भारत में जो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस को खड़ा कर सकते हैं और ये गेम चेंजर होगा भारत के लिए, ये छोटी मूव नहीं है सर? सर डेफिनेटली आप जो बात बोल रहे हैं बरोबर है, बट आपको ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर आप चाहें तो अपनी ट्रूप मूवमेंट इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें आप कंटेनर्स, आप बड़े बड़े आर्मर्स है, अपने टैंक्स है, उसको भी आप शिप कर सकते हैं डिस्टेंट एरियाज में। अगर आपको अंडमान में टैंक्स भेजने हैं तो ये एयरक्राफ्ट में डाल दीजिए और अंडमान में भेज दीजिए। सर्वेलेंस करना है तो सर्वेलेंस के लिए यूज हो सकता है। इसके ऊपर आप रेडार रख के आप पूरे सी में आप जाके आप सारे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज हो सकता है। और इंडिया के अंदर 56 एयरक्राफ्ट एक नया बड़ा फ्लीट बन रहा है और एक बहुत अच्छा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चीन को होगी। इस एयरक्राफ्ट के इंडिया में बनने से एक इकोसिस्टम तैयार होगा, इसका मेंटेनेंस जो भी होगा, जो स्पेयर पार्ट्स है या कुछ भी खराबी आ जाती है, रिपेयर्स है, उसका टाइम एड्रेसल जल्दी होने वाला है। और आपने जो बात बताई है कि जो 2 सीटर और 4 सीटर एयरक्राफ्ट वो बन सकते हैं इंडिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इतने दिन तक क्यों नहीं किया, मैं वही सोच रहा हूँ। और टाटा के अलावा आज इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो फाइटर एयरक्राफ्ट और ये बड़े प्लेन बना सकते हैं। और आगे जाके किसको मालूम, अगर हम ये प्लेन भी बना रहे हैं वी कैन इवन डेवलप एक कमर्शियल एयरप्लेन एज वेल, बोइंग और एयरबस के जैसे। हम यहाँ पे एक इकोसिस्टम नेक्स्ट 2-3 साल में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर जैसे ये सांचेज आए हैं यहाँ पर, ये एयरबस का एग्रीमेंट किया है टाटा के साथ और यहाँ पर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं,
लेकिन आप देखिए अभी तक रशियंस ने एयरक्राफ्ट भारत में बनाने नहीं शुरू किए, जबकि सुकोई की बात हम ऑलरेडी उनके साथ कर चुके हैं कि भाई आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कीजिए। फ्रांस लगा है हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए एयरक्राफ्ट्स के लिए भी, लेकिन बोइंग कहीं भी सीन में नहीं आ रहा कहीं भी, जबकि अमेरिका बोलता है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाई है। सर अलाई होने के बाद आप हमारे ऊपर रिलाई नहीं करते और अपनी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफ़र भी करने की बात नहीं बोलते, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बोइंग इस सीन में मिसिंग है, जबकि एयरबस ने ऑलरेडी डील कर लिया हमारे साथ, क्या बोइंग आपको आता हुआ दिखाई देता है? सर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेट्स है, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप। बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलते रहेंगे कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो वो भारत के अगेंस्ट ही रहते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति एक तरह से डमी होते हैं। ये मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। आप देखिए कि अगर ओला स्टोल्स और पेड्रो सांचेस अमेरिकन इलेक्शंस के पहले आ रहे हैं, अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो भारत के साथ डिफेंस टाइज डीपन हो जाएंगे। जब तक ये डेमोक्रेट्स रहेंगे अमेरिका में, ये भारत की प्रोग्रेस को सेबोटाज करेंगे, और ट्रंप साहब आएंगे तो ट्रंप साहब आने से भारत के अंदर एक डिफेंस अग्रीमेंट टाइज डीपन होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। आप देख लीजिए 2020 और 24 के बीच में यूएस ने कितने रेजिम चेंजेस ऑपरेशन किए हैं, शाहीन बाग है या फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये सारा इकोसिस्टम इनका ही चलाया हुआ है, ट्रंप के प्रेसिडेंसी में कभी नहीं हुआ है। तो ये जो जियो पोलिटिकल विशेषज्ञ बताते हैं अपने आप को कि अमेरिका लूज आउट कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टेट डिपार्टमेंट पॉलिसी। और अमेरिका के जो आने से भारत को भी अच्छा है, क्योंकि भारत के पास अच्छा नेगोशिएशन पावर आ जाएगा। देखिए रशिया जो हम उनके सुकोई प्लेन अभी हम इन भारत के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं, भारत आपने बरोबर बताया कि प्रोडक्शन की उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, उन्होंने हमें अपग्रेडेशन के लिए दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में। अभी 272 प्लेन अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं, जिसका 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अमेरिका हमें DE-F414 इंजन नहीं दे पा रहा है, कितना भरोसा करेंगे। फ्रांस रफाल उसने हमें 2016 में 1600 करोड़ रुपए में बेचा था, वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और अभी जो रिसेंट अभी जो हमें INS विक्रांत के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके लिए उसका मराइन वर्जन, रफाल का मराइन वर्जन के लिए 2000 करोड़ मांग रहा है, जबकि अमेरिका का F-35 जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग है और स्टेल्थ फैसिलिटी है, वो इसराइल को 1000 करोड़ में दे रहा है। स्वीडन की कंपनी ग्रिपेन है, वो भारत को 700 करोड़ में अपना प्लेन देने को तैयार है, वो भी 5th generation, विद कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरग्रेशन इन भारतीय मिसाइल सिस्टम्स को उनके प्लेन में भी इंटरग्रेट कर देगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हमारे को ट्रांसफर करने के तैयार है। तो भारत के पास अभी ऑप्शंस बढ़ गए, भारत को अब अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने उनको बोला है वो अभी तक डिलीवरी नहीं किया है, हमने लास्ट ईयर उनसे 31 ये MQ रीपर ड्रोन 31,000 करोड़ में लिए हैं, और उनके जो ड्रोन्स होते हैं रीपर ड्रोन्स को उसी रेबल्स अपने 20,000 के रॉकेट से उसको उड़ा रहे, वो भी नहीं दे रहे हमको, जैसे अमेरिका बताता जैसे हम पे एहसान कर रहा है। सर हम उनसे कोई एड नहीं मांग रहे, पूरा पैसा देके दाम देके ले रहे हैं, वो भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे, उनकी दादागिरी पे। जो भीख मांगते हैं उन्हें जल्दी मिलता है। मुझे लगता है कि जॉनसी जब भी किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप होती है तो ये अमेरिकन हमेशा उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एक ही आदमी से डील करना होता है, बड़ा आसान होता है इनको डील करना, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट हो वहाँ पर इनको डील करना मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे देकर ये काम नहीं करवा सकते, जैसे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, ये सोनिया गांधी और
ये राहुल गांधी को पैसे देकर सारे काम करवाया करते थे, आजकल वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मोदी जी को हटाने की पूरी मुहिम में लगे हैं अमेरिकन। सर मुहिम तो मोदी जी को हटाने की है, डील कैसे करेंगे? सर एक तरह से आपने भी एक प्रोग्राम में बताया था टू नेशन थियरी। इनके अंदर इनका टू नेशन थियरी क्या बोलता है कि एक कंट्री को आप एक दो, सेकेंड कंट्री को आर्म्स बेचो। ये इन्होंने यही काम हर जगह किया है। कतर को आर्म्स बेच रहे हैं, ये इसराइल को आर्म्स बेच रहे हैं, पैलेस्टिनियंस को ये लोग एड देते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अंदर पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए। आप ये देख लीजिए कि जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी 2022 में, तब से यूएस के वेपन सेल्स बढ़ गए हैं। कल आपके चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी निंदा, कड़ी निंदा की है कि यूएस ताइवान को $2 बिलियन के आर्म्स बेच रहा है। चाइना समझ रहा है कि यूएस अपना काम निकाल रहा है और वो इस तरह से ताइवानी लीडरशिप को समझा रहा है कि बस भाई आप मांग मत लो उनसे, पर वो होने वाला नहीं है क्योंकि चाइना खुद एक धूर्त है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल स्टेज पे। और इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, यूएस जाने ताइवान जाने और चाइना जाने, हमें अपने इंटरेस्ट से मतलब है। और सही बात है, हमारा इंटरेस्ट है कि भारत में बनना चाहिए हर चीज। और जैसे स्पेन के ये जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने आकर हमारे साथ डील किया है, हमारे यहाँ पे प्लेन्स की प्लेन को ये जो फैसिलिटी है उसको इनॉग्रेट किया है। इससे लगता है कि भारत भारत में दुनिया भर के प्लेन मैन्युफैक्चरर्स भारत में आएंगे, भारत में ही बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम भारत में बनने वाला है। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जब ये असेंबली लाइन है, इसके बाद पार्ट्स बनने शुरू होंगे, प्लेन भी बनने शुरू होंगे। यानी कि जो चाइना ने आज एक कारनामा कर दिया कि उन्होंने अपने प्लेन निकालने शुरू कर दिए हैं, अब वो एयरबस और बोइंग से प्लेन नहीं लेते हैं, उन्होंने खुद ही अपना जो स्मॉल बॉडी मीडियम बॉडी के प्लेन्स हैं जिसमें 200 लोग बैठ के जा सकते हैं, कमर्शियल प्लेन्स उन्होंने खुद ने बनाने शुरू कर दिए। हो सकता है कल को अगले 5-10 साल में भारत भी उसी राह पर चलना शुरू हो जाए। और टाटा के जो अंदर की जो खबर है कि वो ऑलरेडी कमर्शियल प्लेन्स को बनाने की मुहिम में वो जुट चुके हैं, यानी कि R&D ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, MRO हमारे पास है। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, चाइना ने प्लेन बनाए पर चाइना ने टेक्नोलॉजी है रिवर्स इंजीनियरिंग की है, उसको कॉपी की है, उनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भारत के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफिशियली हो रहा है। चाइनीज की जो चोर टेक्नोलॉजी है कितने दिन तक चलेगी मालूम नहीं, क्योंकि अपग्रेड्स नहीं मिलेंगे उनको। सर आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि चाइना ने चोरी कर लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, जैसे कि कोई बहुत नई बात हो। भाई मैंने आपको कई बार बोला है, मैं चाइनीज से बात करता हूँ कि आपने कॉपी क्यों किया है, तो वो खुद बोलते हैं कि आपने खुद तो लिखा है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी, तो इसलिए हमने कॉपी कर लिया। तो जब चाइना में कॉपीराइट का मतलब ही राइट टू कॉपी है, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उन्होंने कॉपीराइट को यूज किया है। सर सर आप एक और एक चीज देख लीजिए, कल पीयूष गोयल जी ने जिस हिसाब से ओला स्टोर्स को बोला है कि आप हमें चाइनीज इक्विपमेंट ही दे रहे हैं और यूरो में चार्ज कर रहे हैं, तो हम आपसे डायरेक्टली क्यों लें। सेकेंड, ओला स्टोर्स और ओला स्टोर्स ने खुद यहाँ पे गोवा के अंदर मैसेकन डॉक्स की फैसिलिटी विजिट की है, और वो खुद बोल रहे हैं कि हम आप इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक्सपर्टाइज करिए और साइन करने के लिए। सर एवरीबडी नो, सर एवरीबडी वांट्स टू बी इन विद इंडिया, बी इन इंडिया एंड ऑपरेट विद इंडिया। और आप आपको अगर जान के अगर चले नहीं होना चाहिए, अगर ट्रम्प साहब शायद जीत जाए तो 26 जनवरी के रिपब्लिक डे फंक्शन पे वो शायद चीफ गेस्ट भी हो सकते हैं इस बार, वी नेवर नो। और उसमें उस समय लैंडमार्क भी हो सकती है। सर मुझे लगता है कि 20 जनवरी को ट्रम्प साहब ने शपथ लेनी है, तो 26 को यहाँ पर आए मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान होगा कि फॉर हिम टू कम या मोदी जी का वहाँ जाना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं। भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में बनने शुरू हो गए हैं, और ये ट्रांसपोर्ट
प्लेन्स हैं, ये छोटे प्लेन नहीं है दोस्तों, ये फुल फ्लैश 295 C295 बहुत बड़ा प्लेन है जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है आर्म्स एंड एमुनिशंस को भी और लोगों को भी, और ये सर्वेलेंस का काम भी करता है, इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी था। इसके अंदर आप टैंक्स भी ले जाके एक दूसरी लोकेशन पे आप ले जाके रख सकते हैं, ये ऐसे इसकी फैसिलिटी। इट्स अ मल्टी यूटिलिटी प्लेन और इसलिए इसके ऊपर काम, और नेचुरल डिजास्टर्स में भी इसको अगर कहीं पे रिलीफ फैसिलिटी पहुंचाना है तो ये वो भी काम भी कर सकता है। और अपने इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस राडार उसके ऊपर रख के हम इसके ऊपर सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिटरेंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कवर भी इसको हमने बड़े डिटेल में किया है। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया आज, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद सर। और एक और एक चीज है, मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम से इस चैनल की पॉडकास्ट को रेस्ट्रिक्ट करके रख दिए हैं। आपसे अनुरोध है कि आपका स्नेह और सपोर्ट मिलता रहे, जय सी आराम आप लिखते रहें, और हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन करनी जरूरी है। ना तो हम आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन की उम्मीद रखते हैं, ना कुछ है, बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं। बाकी यूट्यूब चैनल यूट्यूब के मोनिटाइजेशन से भी कमाते हैं और नीचे अपने जीपे के नंबर भी देते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करिए, जबकि वो जरूरी नहीं होता है। मेरा ये चीज मानना है कि आज आप यूट्यूब चैनल कुछ चाहे तो चालू कर सकते हैं, और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सुमित जी आपको पूरा सपोर्ट भी करने को तैयार है। वो बताना भी चाहेंगे कि जितने लोग ज्यादा यूटिलाइज करेंगे इस प्लेटफॉर्म को उतना अच्छा है, और आपके एक फोन का जो 10,000 या 15,000 के फोन है उससे भी आप अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं। सेकेंड, आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, और हम यहाँ पे अपनी नॉलेज यहाँ पे सिर्फ सनातनियों को ऐसे ही दे रहे हैं, हमें इसमें कोई आपसे मॉनेटरी बेनिफिट्स की कोई आशा नहीं है, वी डोंट नीड एनी मॉनेटरी बेनिफिट। तो इसके लिए आपको अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो अपने यहाँ पे आप अपने गौ माता को फीड करिए, किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करिए। YouTube चैनल्स में यू डोंट नीड टू मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द यूट्यूब चैनल। मुझे मालूम है कि मेरे इस बोलने के बाद बहुत सारे YouTube चैनल्स मुझसे गुस्सा जरूर होंगे, जबकि मैं ये बात सही बात बोलने में मैं सही बात बोलने में विश्वास रखता हूँ। अगर इंडिया में अगर आपको एक एनजीओ चलाना है तो आप सरकार अगर एनजीओ भी अगर फंडिंग मांगती है किसी से तो अपना पैन नंबर देती है, सेक्शन 83 का सर्टिफिकेट लेती है, 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। यूट्यूब चैनल पब्लिक से क्राउड फंडिंग से सपोर्ट लेते हैं बिना अपना पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर कुछ भी दिए बिना। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। और आपको भी मालूम है कि कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है चैनल स्टार्ट करने के लिए। आपको एक हम लोग अपने मोबाइल से ही काम कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू दिस पॉडकास्ट में मैं अपने नॉर्मल मोबाइल से आपको आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें कोई खर्चे नहीं है आपके, बस इतना ही समझा रहा हूँ। थैंक यू सर, जय सियाराम, जय सियाराम सर।